थिंक्स टू कैरी फॉर योर आल स्पीकिंग एग्जाम आई नो जब हम स्पीकिंग एग्जाम के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लर्नर्स ना वरड होते हैं इवन आपके एल आर डब्ल्यू एग्जाम के लिए भी जब आप जाते हो यूगा इस वरिड कि कोई लेटर हमारा रहना जाए कोई पासपोर्ट की कॉपी रहना जाए या ऑथोराइजेशन लेटर रहना जाए तो एग्जैक्टली exactly क्या करना है किन चीज़ों को लेके जाना है चाहे वो आपका स्पीकिंग एग्जाम हो चाहे वो लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एग्जाम हो डेट्स फॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो ऑफ माइंड नाउ सबसे पहले इस चीज को समझो कि जो आयल्स का एग्जाम है डैट इज कंडक्टेड बाय आई डी करंटली सो अभी खाली हमारे पास एक ही टेस्ट टेकिंग बॉडी है डैट इज आई इन इंडिया ओके इंडिया के बाहर ब्रिटिश काउंसिल भी है तो अभी होता क्या है आई से जब आपने एग्ज़ाम देना दे आर सर्टेन थिंग्स जो वो बोलेंगे ऑब्वियसली आपको वही चीज़ें फॉलो करनी होंगी पहले देर वर टू बॉडीज़ वन और टू थिंग्स अगर आपकी कोई ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होता था कोई थोड़ा सा कम होगा लीनियंट होगा तो कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती थी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कलर्ड पासपोर्ट कॉपी लेके जाना भूल गए तो वॉट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन इन डैट केस ऐसा होगा कि आपको वो बोल देंगे कि आप पहले स्पीकिंग एग्जाम दे दो एंड उसके बाद आके कलर्ड पासपोर्ट कॉपी जो है वो आप लेके आ जाइएगा ठीक है सो स्पीकिंग एग्जाम में जब आप जा रहे हो बस तीन चीज़ों का ध्यान रखो एक तो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट अपना लेके जाना बिकॉज बहुत बार मुझे पता है बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं कि रहते पठानकोट में एग्जाम देने कहीं और जा रहे हैं ठीक है या रहते मोहाली में एग्जाम देने कहीं और जा रहे हैं तो ऐसा बहुत बार होता है तो प्लीज़ ये थिंग्स का ध्यान रखो फर्स्ट इज़ पासपोर्ट ओरिजिनल पासपोर्ट ठीक है उसमें सारी डिटेल्स वेरीफाई करके जाओ आपका नेम नंबर सब कुछ सेम होना चाहिए ठीक है सेकेंड इज आपकी कलर्ड पासपोर्ट फोटोकॉपी यहां पर अगर आप प्रिंट आउट करा के जा रहे हैं और वो ब्लैक एंड व्हाइट है तो नहीं चलेगा कलर्ड प्रिंट आउट करा के जाइए कलर्ड फोटो कॉपी करा के जाइए डैट ओनली विल बी वैलिड एंड द थर्ड थिंग इज द ऑथराइजेशन लेटर बहुत सारे लर्नर्स को पता ही नहीं होता कि ऑथराइजेशन लेटर होता क्या है तो लेट मी टेल यू वाइज ऑथराइजेशन लेटर इज द लेटर जो आपके पास मेल आता है जब आप एग्जाम बुक करते हो तो आपके पास मेल आएगा ऑथराइजेशन लेटर जिसमें सारी डिटेल्स होंगी कि आपका एग्ज़ाम कब है वेन्यू कौन सा है किस दिन स्पीकिंग का एग्ज़ाम है किस दिन लिसनिंग का एग्ज़ाम है और क्या कैरी करना है सो डैट इज़ दी ऑथराइजेशन लेटर आपने उसकी फोटो कॉपी करा के जाना है डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो ये तीन चीज़ें तो आपने स्पीकिंग एग्जाम में लेके ही जानी हैं अपार्ट फ्रॉम डैट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एल का एग्ज़ाम अब हम बात करते हैं एल आर डब्ल्यू की जब आपका लिसनिंग राइटिंग रीडिंग का एग्जाम है तो क्या कैरी करना है ये तीनों चीजें तो कैरी करनी ही करनी है अपार्ट फ्रॉम डैट जब आप स्पीकिंग एग्जाम के लिए जाएंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि दे आर गोइंग टू साइन समथिंग दे एल गिव यू समथिंग है ना तो अगर वो आपको कोई डॉक्यूमेंट देते हैं लेटर कुछ आपको देते हैं तो वो आपने कैरी जरूर करना है क्योंकि वो पूछेंगे आपसे राइटिंग एग्जाम में कि आपका स्पीकिंग हो गया या नहीं ठीक है सो so, ये तीनों चीजें मस्ट है कलर्ड पासपोर्ट फोटो कॉपी ओरिजिनल पासपोर्ट एंड ऑथराइजेशन लेटर इन केस कुछ स्पीकिंग एग्जाम में मिला है तो वो भी लेके जाना ठीक है नाउ जब आप भी लिसनिंग रीडिंग राइटिंग के लिए जा रहे हो सो मेक इट अ पॉइंट कि अपनी स्टेशनरी खुद कैरी करो वहां से आपको ज़रूर मिल जाएगी बट स्टिल आई वुड एडवाइस क्योंकि एक हैबिट बन जाती है और उसी पेंसिल से चाहे वो क्लिप पेंसिल हो उसी से ही आप लिख के देखो प्रैक्टिस पूरी करके जाना उसी से ही एक्स्ट्रा इरेजर्स रख लेना एक्स्ट्रा शार्पनर्स रख लेना सो ये सारी थिंग्स आप जरूर कैरी करके जाओ एग्जामिनेशन हॉल में एंड इतना ज़रूर ध्यान देना इफ यू डू नॉट वॉन्ट कि आपको कुछ प्रॉब्लम आए ठीक है आपका रिजल्ट डिले हो जाए विदहेल्ड हो जाए तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना इन से बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट मत करना आगे पीछे आंसर मत पूछना बस अपने पे फोकस करना बिकॉज बहुत बार ऐसा हुआ है कि आईडीपी के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं ना वो बहुत ही रूड हो जाते हैं या बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं सो दे डू नॉट लिसन टू यू एंड दे विल रिपोर्ट इट अहेड जब वो रिपोर्ट कर देते हैं तो आप नोटिस करोगे कि आपका एग्जाम का रिजल्ट विद हेल्ड हो जाएगा या फिर आपको रीअपियर नहीं करने दिया जाएगा कुछ भी ऐसा हो सकता है तो ये रिस्क बिल्कुल भी मत लेना और अगर इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो विद हेल्ड वाली जो वीडियो है उसका लिंक मैं अब शेयर कर दूंगी सो एट लास्ट मैं आपके साथ एक चीज़ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी बिकॉज लेटली जो मेरे पास पिछले वन वीक और टेन डेज में कॉमेंट्स आए ना वो रीडिंग मॉड्यूल से रिलेटेड ही थे सो आई एम गोइंग टू शूट सम मोर वीडियोज़ ऑन रीडिंग मॉड्यूल और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जल्दी से जल्दी बट जो मैं आपको यहाँ पे अभी बता सकती सकते ये देखो रीडिंग इज द मॉड्यूल कि जिसमें मुझे पता है कि काफी सारे लर्नर्स की जो मेजर प्रॉब्लम है ना अंडरस्टैंडिंग है सो so, मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ जो कि है आय प्रिपरेशन टिप्स फॉर बिगिनर्स उसमें मैं हर एक चीज को डिटेल में बताऊंगी कि कौन सी चीजें मस्ट है आपको करनी चाहिए जिससे आपका रीडिंग मॉड्यूल की अंडरस्टैंडिंग राइटिंग मॉड्यूल की राइटिंग वाला पार्ट एंड वोकेबलरी वाला पार्ट काफी हद तक इंप्रूव होगा सो डेट आई एम गोइंग टू हेल्प यू

कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन सो सिंपली कॉन्टेक्ट करो आपकी बात होगी अपना आपको पता चलेगा वॉट लेवल यू आर एट एंड उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से आगे आपके साथ प्रोसीड करना है और आपके स्कोर इंप्रूवमेंट लेके आने वो भी जस्ट थर्टी डेज में सो येस ट्रस्ट मी गाइज थर्टी डेज वन ऑन वन क्लासेस आपका स्कोर आ जाएगा यू जस्ट नीड टू गिव यूर हंड्रेड परसेंट एंड वी आर गोइंग टू गिव आर हंड्रेड परसेंट So, see you again in the next video of mine. Until then, bye bye. And if you want me to create a video on some other topic, do let me know in the comment section. Thank you so much, and bye bye.